हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑल इज हियर बाय प्रिया। आज हम बनाएंगे बहुत ही इजी और बहुत ही टेस्टी रेसिपी, जिसमें हम ना कि गैस का यूज़ करेंगे, ना किसी ब्रेड का यूज़ करेंगे, ना ही दूध का और ना ही केक का। तो चलिए देखते हैं हम व्हाइट फॉरेस्ट पेस्ट्री रेसिपी। तो फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, इस तरह से मैंने 2 पैकेट बटर बिस्किट, जिसे मैंने मिक्सर ग्राइंडर में बहुत अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और ये एक पाउडर फॉर्म में तैयार हो गया है। अब इसी से हम बनाएंगे अपनी पेस्ट्री। तो इस पेस्ट्री को बनाने के लिए सबसे पहले इस तरह का मैंने एक ट्रे लिया हुआ है। आप चाहें तो आप कोई बॉक्स में भी इसे बना सकते हैं या कप आता है उस कप में भी। और इस तरह से इसमें हम इस तरह से बिस्किट की लेयर लगाते जाएंगे। आप जितनी मोटी लेयर चाहें उतनी मोटी लेयर लगा सकते हैं। तो मैंने इस तरह से एक लेयर लगा दी है। और चलिए यहाँ पर अब हम इसमें व्हिपिंग क्रीम का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ बची हुई क्रीम थी कलरफुल, जिसको मैंने एक साथ इस तरह से मिक्स कर लिया है। तो चलिए इसे हम एक लेयर अच्छी सी लगा देते हैं इस पर। और आप ये मत सोचिएगा कि बिस्किट पर लेयर फिनिशिंग हो पाएगी या नहीं, इससे कोई भी मतलब नहीं है। बस आपको अच्छे से इस पर लगा देनी है व्हिपिंग क्रीम। तो देखिए, मैंने इस तरह से लगा दी है नाइफ की मदद से अच्छे से व्हिपिंग क्रीम। अब फिर से इसके ऊपर हम दूसरी लेयर बिस्किट की लगाएंगे। तो बिस्किट का पाउडर जो हमने बनाया था, उसकी दूसरी लेयर इस तरह से इस पर लगा देते हैं हम अच्छे से। और इसे हल्का सा प्रेस कर लेंगे लगाने के बाद, जिससे कि ये अच्छे से सेट हो जाए क्रीम के ऊपर। तो ये देखिए, हमारी दूसरी लेयर भी बहुत अच्छे से लग गई है। बाकी जहां आपको लग रहा है अभी नहीं लगी है क्रीम के ऊपर, तो वहां पे भी लगा लीजिए। तो देखिए, सेट हो गई। अब इसके ऊपर हम थर्ड लेयर क्रीम की इस तरह से लगाएंगे। तो थर्ड लेयर भी देखिए, हमारी क्रीम की अच्छे से लग गई है। अब इसके ऊपर हम फिर से लगाएंगे बिस्किट। तो बिस्किट को फिर से लगाएंगे सेम उसी प्रोसेस से। आप 3 से 4 जितनी बार ये रिपीट करना चाहते हैं उस तरह से प्रोसेस रिपीट कर सकते हैं। मैंने यहाँ इसे 4 बार रिपीट करा है। थोड़ी सी एक साइड से क्रीम दिख रही है, तो मैं वहाँ पर बिस्किट फिर से रखकर इस तरह से दबा दे रही हूँ, जिससे कि क्रीम बहुत अच्छे से सेट हो जाए बिस्किट के साथ। तो चलिए, इसको हमने इस तरह से सेट कर लिया है। आपकी अगर क्रीम बिस्किट पे नहीं सेट हो रही है, तो इस तरह से हल्का सा शुगर सिरप भी बनाकर इसे सोक कर सकते हैं। मैं सिर्फ ये आपको दिखाने के लिए बता रही हूँ, अदरवाइज इसमें कोई भी जरूरत नहीं है आपको शुगर सिरप की। तो चलिए, इस तरह से फिर से हम इस पर लगा लेते हैं व्हिपिंग क्रीम। और व्हिपिंग क्रीम भी अपने मन पसंद अकॉर्डिंग, अगर आपको क्रीम कम पसंद है तो कम लगाइए, ज्यादा पसंद है तो ज्यादा लगाइए। मैं यहाँ पर बहुत ना ज्यादा लगा रही हूँ ना बहुत ज्यादा कम लगा रही हूँ। तो चलिए, इस तरह से हम लगा लेते हैं अच्छे से व्हिपिंग क्रीम और इसे नाइफ के थ्रू इस तरह से सेट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमारी व्हिपिंग क्रीम अच्छे से लग गई है। अब इसे हम सेट होने के लिए सबसे पहले रखेंगे यहाँ पर एक फाइल पेपर। तो मैंने यहाँ पर एक फाइल पेपर लिया है, इसे इस तरह से प्लेट को कवर कर दिया है। बहुत ज्यादा आपको प्रेस करते हुए इसे नहीं सेट करना है। अब इसे हम आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो देखिए, फ्रिज से निकालने के बाद मैंने इस तरह से निकाल लिया है, थोड़ी सी क्रीम हट गई थी, तो मैंने नाइफ से थोड़ी सी और सेट करके क्रीम लगा दी है। अब इसे हम डेकोरेट करने के लिए यहाँ पर क्रस्ट कोकोनट पाउडर लिए हैं। आप चाहें तो आप घर पर भी कोकोनट क्रस्ट करके लगा सकते हैं। तो इस तरह से मैं इसे व्हाइट फॉरेस्ट पेस्ट्री बना रही हूँ, इसलिए यहाँ पर गार्निश करने के लिए इस तरह से कोकोनट लगा दे रही हूँ। आप चाहें तो ब्रेड का क्रम्स भी लगा सकते हैं और इसे कलरफुल भी बना सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से हर कॉर्नर पर इस तरह से अच्छे से इसे सेट कर देते हैं, जिससे कोकोनट हर जगह लग जाए। अब इस तरह से मैंने पाइपिंग बैग में नोजल लगा लिया है और देखिए, इस तरह से मैं यहाँ पर डिजाइन क्रिएट कर रही हूँ। मैं यहाँ पर इसकी 3 पेस्ट्री बनाऊंगी, तो यहाँ पर मैं इस तरह से 3 डिजाइन क्रिएट कर रही हूँ। इसे डेकोरेट करने के लिए यहाँ पर मैं टूटी फ्रूटी इस तरह से लगा दे रही हूँ। अगर आपके पास चेरी है तो आप चेरी भी लगा सकते हैं या फिर चॉकलेट बॉल लगा सकते हैं। तो मैंने इस तरह से चेरी लगाकर इसे डेकोरेट कर लिया है। तो आप देख सकते हैं, थोड़े से मैंने इस तरह से स्प्रिंकल्स लिए हैं, तो इस तरह से स्प्रिंकल कर देते हैं। और आप यकीन मानिए, देखिए कितनी बेहतरीन हमारी पेस्ट्री बनकर तैयार है। अब आप सोचेंगे हम इसे कट किस तरह से करेंगे, तो बहुत ही इजी सा तरीका है। पहले आप बहुत अच्छे से पेस्ट्री देख लीजिए, जितनी बेहतरीन यह देखने में लग रही है उतनी ही टेस्टी ये खाने में भी लगती है और बहुत ही आसानी से बन जाती है। तो नाइफ से इस तरह से हम कट कर लेते हैं 3 पीसेस में और इसके साइड के 4 कॉर्नर को हल्का हल्का सा कट कर लेते हैं
देखिए इस तरह से मैंने कट कर लिया इसके साइड कॉर्नर को, तो देखिए बिल्कुल पेस्ट्री का शेप आ गया ना। तो बताइए कौन देख के कह सकता है कि इसे आपने घर पर बनाया है और कितने कम सामान में ये पेस्ट्री व्हाइट फॉरेस्ट हमारी बनकर तैयार हो गई है। तो चलिए इसे सर्विंग प्लेट में हम सर्व कर लेते हैं। तो मैंने एक फ्लैट इस तरह का स्पून लिया है और इससे निकाल लेते हैं हम। बहुत ही आहिस्ता से निकाला है क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होती है। तो देखिए कितनी बढ़िया ये प्लेट में हमने इसे सर्व करके रख दी है और देखने में भी कितनी डिलीशियस और यमी लग रही है। तो फ्रेंड्स एक बार आप भी इसे अपने घर पर बनाकर जरूर ट्राई करिए। जितनी ये बेहतरीन देखने में लग रही है खाने में भी उतनी ही टेस्टी लगेगी और बहुत कम सामान में आपके घर पर झटपट बनकर तैयार हो जाएगी। और अगर आप मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सब्सक्राइब के बगल में बेल का ऑप्शन है, उसे जरूर प्रेस करिएगा जिससे मेरी कोई भी न्यू रेसिपी आपसे मिस ना हो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और अगर मेरी कोई भी रेसिपी बनाने में आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर पूछ सकते हैं, मैं वहां पर आपके सवालों का जवाब जरूर दूंगी। और फ्रेंड्स मैं जो भी रेसिपी आपको बताती हूँ वो मेरे द्वारा खुद ही बनाई हुई होती है, तो आप इसे YouTube पर अगर सर्च भी करेंगे तो आपको ये अभी तक किसी ने नहीं बताई है। और ये देखिए मैंने इसे कट किया है, कितनी सॉफ्ट लग रही है। तो आप भी इस तरह से व्हाइट फॉरेस्ट पेस्ट्री की रेसिपी अपने घर पर बनाइए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मेरी वीडियो यूं ही शेयर करती रहिए। नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए।